अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, देख सकते हो जस्ट मेरे को हाईवे में हर्ष भाई और एक भाई जो है मेरे को बुलाया था। हर्ष भाई लोग मेरे लिए केक वेक भी अरेंज किए। हैप्पी बर्थडे टू यू सुमित भाई, सुमित भाई को। और मोतीलाल भैया सबसे पहले मेरे को सुबह मॉर्निंग में कॉल किए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच मोतीलाल भैया को। अभी मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे, देख सकते हो जस्ट मेरे को हाईवे में हर्ष भाई और एक भाई जो है मेरे को बुलाया था ऐसे कुछ काम के लिए। मेरे को पता नहीं था मेरे लिए सरप्राइज प्लान किया करके। बाकी फिलहाल यहाँ पे हर्ष भाई लोग भी, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो हर्ष भाई लोग मेरे लिए केक वेक भी अरेंज किए थे, साथ ही में यहाँ पे भी कुछ गिफ्ट विफ्ट भी है। तो हर्ष भाई को बहुत थैंक यू सो मच, और भाई को भी बहुत सारा थैंक यू। बर्थडे के लिए नहीं प्लान बनाए थे हम लोग, गए थे फोटो शूट में। फोटो शूट में गए थे वहाँ उधर केंद्रीय विद्यालय तरफ। हाँ। तो वहाँ पर प्लान बना कि सुमित का बर्थडे है, उसको सरप्राइज देते हैं, और भाई के पास उसका गिफ्ट भी रखा था। हाँ। करीबन 15 दिन से रखा हुआ था, तो वो सोचे कि देने का भी हो जाएगा शुभ दिन में, शुभ दिन में देंगे और साथ में बर्थडे भी बन जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ प्लान बना था। ठीक है, और मेरे को ये पता नहीं था कि मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने वाला है करके, बाकी मैं ऐसे ही आ गया था। फिलहाल यहाँ पे केक कट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं गिफ्ट अनबॉक्सिंग करके कि गिफ्ट में क्या है। केक कटिंग करते हैं यहाँ पे। हैप्पी बर्थडे टू यू सुमित भाई, सुमित भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। सरप्राइज प्लान सक्सेसफुल। अरे भाई भाई, सरप्राइज प्लान में मजा आया सुमित भाई को। इस बार सुमित बहुत लोग मिस कर रहा होगा, बहुत लोग, जैसे कि सबसे पहले मोतीलाल भैया को हम लोग बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। और मोतीलाल भैया सबसे पहले मेरे को सुबह मॉर्निंग में कॉल किए थे, उसके लिए थैंक यू सो मच मोतीलाल भैया को भी। बाकी केक कटिंग यहाँ हो चुका है, भाई लोग जो गिफ्ट लाए हैं उसको भी हम लोग अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको दिखाएंगे गिफ्ट में क्या है। गिफ्ट को आप अनबॉक्सिंग करते हैं, यहाँ पे दोनों को एक साथ गिफ्ट मिला, सुमित को भी मिला है गिफ्ट और मेरे को भी मिला, तो दोनों को एक साथ अनबॉक्सिंग करते हैं। तो अभी जो भाई गिफ्ट लाया था उसको अनबॉक्सिंग करते हैं। मेरे को तो पता है क्या चीज़ है, सुमित को ही पता है, लेकिन आप लोगों को नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो अनबॉक्सिंग करते हैं इसको और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो एक साथ हम लोग अनबॉक्सिंग इसीलिए कर रहे हैं ताकि आप लोगों को एक साथ पता चले, अगर एक का सस्पेंस पता नहीं लगेगा ना, फिर सस्पेंस क्या हुआ भाई। बाकी एक का देख लोगे तो आपको फिर अगले आदमी का पता चल जाएगा, इसलिए हम लोग एक साथ अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। जरा खुला नहीं है ना, प्लान हम लोग बनाने में एक्सपर्ट है। चलो इधर एक साथ दोनों का अनबॉक्सिंग करेंगे और आपको एक साथ दिखाएंगे। अरे मुड़ गया है भाई भाई भाई, यहाँ पे देख सकते हो स्केच आप, जो कि हमको पता था स्केच है करके, बाकी पास लाओ ना भैया। और ये मेरा स्केच है, देख सकते हो कितना प्यारा बना हुआ है, एक एक डिटेलिंग भाई साहब भाई भाई। और अगर किसी को भी स्केच बनाना है तो यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी आ रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा, वहाँ से जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं स्केच बनाने के लिए। और बहुत ज़्यादा प्यारा बना हुआ है, और थैंक यू सो मच जो भी बनाया है स्केच, बहुत ही मस्त बनाया है। मैं नेम या तो वीडियो में तो नहीं ले सकता, लेकिन थैंक यू सो मच जो भी बनाया है स्केच, बहुत ही प्यारा लग रहा है मेरे को। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें डिटेलिंग करे हुए हैं स्केच में, तो बहुत प्यारा है यार। थैंक यू, यहाँ पे देख सकते हो जो भी स्केच था बहुत प्यारा लग रहा है। फोटो में उतना खास पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब मैं लाइव देखा इसको तो यहाँ पे देख सकते हो। और बाकी अगर आपको स्केच बनवाना होगा तो यहाँ पे आपको इंस्टा आईडी भी आएगा और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, और जो भी स्केच को बनाया है उसको तहे दिल से थैंक यू सो मच, और लिंक भी दे दूंगा इंस्टाग्राम का, वहाँ से जाकर इनको फॉलो भी कर सकते हैं। बाकी बहुत बहुत थैंक यू सो मच जो भी स्केच बनाया है। बाकी फोटो में उतना समझ नहीं आ रहा था, लेकिन इसका लाइव मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा डिटेलिंग से इसमें काम किया गया है, तो बहुत प्यारा लग रहा है। तो थैंक यू सो मच एक बार और मेरा बर्थडे को भी स्पेशल बनाने के लिए दोनों भाई को बहुत बहुत थैंक यू। अभी फिलहाल हमारे यहाँ केक कटिंग हो चुका है, साथ ही में जो भाई सरप्राइज लाया था सरप्राइज भी यहाँ अनबॉक्सिंग करके देख चुका है, काफ़ी अच्छा लगा। और बाकी फेस में यहाँ केक वेक भी लग चुका है, तभी जाएंगे हम लोग यहाँ से घर। बाकी यहाँ भाई लोग देख सकते हो केक वेक खा रहे हैं,
तो यहाँ से हम लोग केक वेक हम भी खाते हैं उसका निकले हैं घर के लिए। और वीडियो थोड़ा छोटा बना होगा, बाकी एडजस्ट कर लेना। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे ऐसे किसी अगले वीडियो में।